हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनी टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों आईटीआई एग्ज़ाम को लेकर। जिनका सेशन 2019-21 हुआ है उनका एग्ज़ाम, जो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, जाते जाते भी पूछ रहे थे एग्ज़ाम देने के दौरान। एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का और प्रैक्टिकल का, तब जाते जाते स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होंगे, ये आपका प्रश्न था। तो मैं आपको बताया था कि छोटा छोटा कोई भी बात होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो डीजीटी ने एक मेल किया है, इस मेल को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि मेल में क्या कहा जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कब से होगा, इसके बारे में ये मेल है। इस मेल को हम पढ़ते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो मेल आया है, बाय मेल आया हुआ है, देख रहे हैं ये जो मेल है इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है दोस्तों AITT अंडर CTS एग्जाम फॉर द ट्रेनिंग्स एडमिटेड इन 2019 फर्स्ट ईयर 2 ईयर ट्रेड्स, यानी कि जिनका ट्रेड है 2 साल का और वो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे 2019-21 के दौरान वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके बारे में ये कुछ सूचनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि DGT ने प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है कि 1/3/2021 को थ्योरी के एग्ज़ाम का प्लान बन रहा था कि CBT के तहत आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो स्टूडेंट 2 साल का हैं 2019-21, ये देखिए लिखा हुआ है 2 साल का जो भी हैं और जिनका सेशन 2019-21 है, तो इन्होंने प्लान बनाया है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। ये अभी प्लान बना है दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा सूचनाएँ नहीं मिली है। और नीचे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपका फर्स्ट में, क्या देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग हुआ था, यानी कि जब आपका ग्रेडिंग हुआ था कॉलेज का, आपके जिस कॉलेज में गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जो आपका ग्रेडिंग हुआ था, ग्रेडिंग के दौरान ने कुछ ने डीजीटी ने ग्रेडिंग के दौरान कुछ नंबर दिए थे कॉलेज के 2.1 से लेकर के 2.7 तक, ये आपका ग्रेडिंग के दौरान नंबर दिया गया था कॉलेजों को। तो उस कॉलेज का मैपिंग सबमिटेड टाइमलाइन आप देख सकते हैं नीचे, ये दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे, और मैपिंग के दौरान ही बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है 2 नंबर में देख सकते हैं, टू कवर ऑल ट्रेनर्स एज पर मैपिंग, यानी कि पर मैपिंग स्टेज वाइज रिक्वेस्ट टू एज्यूमेंट देयर द सिटिंग कैपेसिटी, मतलब सबका कैपेसिटी अलग अलग है, यह स्टेट वाइज सबका कैपेसिटी अलग अलग, ITI को अलग अलग है दोस्तों। तो बोला गया है 2 का फर्स्ट में हायरिंग, मतलब हायरिंग आप करवा सकते हैं, या रिटेनिंग ऑफ लैपटॉप, या आप तो लैपटॉप खरीद लीजिए या हायरिंग करवा सकते हैं, यानी कि आप अपने संस्थान का वर्क कई दूसरे संस्थान में आप करवा सकते हैं जहाँ पे आपका लैपटॉप की सुविधा हो या कंप्यूटर बाय टेस्ट लिया जा सके दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं और ये बोला गया उसका फ़ी, जो आपको एग्ज़ाम होगा CBT के तहत उसका फ़ी अलग से मतलब लिया जाएगा, वो फ़ी कितना रहेगा इसके बारे में हम आगे जानते हैं दोस्तों। और 3 नंबर में आप देख रहे हैं फ़ी पेमेंट आपको करने के लिए एक लिंक दिया गया है, नीचे आप लिंक देख सकते हैं https://nimmi.admission.in/AITT-CBT-fee। जी दोस्तों, ये आपका लिंक है, लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप लिंक को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। यह जो मेल आया है वो DGT के तहत आया है दोस्तों। हम थोड़ा सा और इस मेल को खोलने के बाद ये लिंक को भी खोल के हम ओपन करके देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो नीचे लिंक दिया गया है, यही लिंक लिया दिया गया था आपका nimmi.admission.in, इस लिंक को हम ओपन करके देखते हैं। ये बोला गया आपको विल बी ओपेंड बाय 10/3/2021, ये जो पेमेंट करना है आपको 10/3/2021 करना है दोस्तों, या तो प्राइवेट हो ITI या गवर्नमेंट ITI हो, सभी को ये पेमेंट करना पड़ेगा। और ये लिंक आपका मैं ओपन कर दे रहा हूँ, देखिए ये ओपन करने के बाद ये आपका लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, ये लिंक आपका ओपन हो जा रहा है।
लिंक ओपन होने के बाद देखिए, ये देखिए आपका लिख के कुछ आ रहा है, AITT CVT एग्जाम, पेमेंट लिंक इज क्लोज ड्यू टू एग्जाम, एग्जाम के दौरान ये लिंक क्लोज हुआ है। फिर आपका लिंक, द लिंक विल बी द ओपन 8:30 PM, यानी कि 5:30 पर ये लिंक दोबारा ओपन होगा और आपने अपना फी, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी ये फी कटा सकते हैं या आप संस्थान में जाकर के भी अपना फी जमा कर सकते हैं जो आपका ऑनलाइन चार्ज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ना करना ना भूलें दोस्तों।